your way out of this. What do? We fight. हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ट। आज किस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टॉप 9 बेस्ट एक्शन मूवीज को, वो भी कोई नॉर्मल एक्शन मूवीज नहीं। इस लिस्ट के अंदर आपको एक्सट्रीम एक्शन मूवीज देखने को मिलेंगी, जिन मूवीज के अंदर आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ही जबरदस्त और नेक्स्ट लेवल का एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको इस तरह की मूवीज पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही अवेलेबल है, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 9th मूवी है ब्लड रेड स्काई। ये मूवी आई है 2021 में। ये एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक औरत की, जिसको एक बहुत ही मिस्टीरियस इलनेस होती है, एक बीमारी होती है, लेकिन ये उस बीमारी को लोगों से छुपा लेती है और एक प्लेन के अंदर सफर कर रही होती है अपने बेटे के साथ। लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप उस प्लेन को हाईजैक कर लेता है, जिसके बाद वो इस औरत को मार डालता है क्योंकि इससे कुछ गलती हो जाती है। लेकिन इसकी वो मिस्टीरियस बीमारी एक बहुत ही खौफनाक रूप ले लेती है और इसको एक जीता जागता वैम्पायर में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद अब ये किस तरह उन टेररिस्ट से बदला लेती है और अपने बेटे को बचाती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप इसको वहां पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.1/10 पर। हमारी नेक्स्ट मूवी फास्ट 5, जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का 5th पार्ट है। ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज देख रखी है तो आपको इस मूवी के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता होगा। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई डोमिनिक टोरेटो की, जो एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड, जो ब्राजीलियन ड्रग लॉर्ड है, उसके यहाँ चोरी करने का प्लान बनाता है। ये उसकी जितनी भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, उस सभी को लूटने का प्लान बनाता है। पर इसके रास्ते में वो ड्रग लॉर्ड तो सबसे बड़ी चुनौती है ही, साथ ही साथ एक डेंजरस फेडरल एजेंट भी इसके रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो इन लोगों को किसी भी तरह पकड़ना चाहता है। ऐसे में डोमिनिक टोरेटो किस तरह चोरी करता है या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का और बहुत ही अमेजिंग एक्शन देखने को मिलेगा। शायद ही इस तरह का एक्शन आपने आज से पहले किसी और मूवी के अंदर देखा हो। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.3/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी ड्रेड, जो आई थी 2012 में। ये एक एक्शन क्राइम साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई फ्यूचर के अमेरिका की, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया क्योंकि न्यूक्लियर वॉर हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों, करीब 800 मिलियन लोगों को एक बहुत बड़ी मेगा सिटी के अंदर रखा गया है ताकि वो लोग वहाँ पे किसी तरह सेफ रहें। लेकिन इस सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हर दिन 7 लाख से ज़्यादा क्राइम होते हैं, और इतने क्राइम को रोकने के लिए, न्याय करने के लिए और इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत से लोगों की और बहुत से समय की ज़रूरत होगी, पर इतना टाइम किसी के पास नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाई गई है जिन्हें कहा जाता है जज, क्योंकि ये लोग इंस्टेंट निर्णय ले लेते हैं कि इनको अपराधी के साथ क्या करना है। उन्हीं सब जजेस में से कहानी दिखाई गई हमारी मूवी के हीरो की, जो भी एक जज है जिसका नाम है ड्रेड, जिसको काम दिया जाता है कि इसको एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है। जिसे सॉल्व करने के लिए ड्रेड जाता है एक 200 मंजिला बिल्डिंग में, जो एक स्लम बिल्डिंग है, जहाँ पे एक ड्रग लॉर्ड रहती है जिसको ममा कहा जाता है, और ये गया होता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वो खतरनाक ड्रग लॉर्ड ये अनाउंस कर देती है कि इन जजेस को मार डालो। आगे ये लोग किस तरह उस बिल्डिंग से बच के निकलते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 7.1/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी स्काई फॉल, जो आई थी 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई MI6 की, जिसके ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक हो जाता है और जितने भी उनके एजेंट हैं उनकी आइडेंटिटी लीक हो जाती है, जिसके बाद 007 यानी जेम्स बॉन्ड को बुलाया जाता है कि उसको किसी भी तरह पता लगाना है आखिर इस अटैक के पीछे किसका हाथ है, आखिर वो लोग कौन है जो MI6 को खत्म करना चाहते हैं, आखिर जेम्स बॉन्ड कैसे उनको पकड़ता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.7/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी अनलीस्ड, ये मूवी आई है 2005 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक मॉन्स्टर की, जो एक बच्चे को चाइल्डहुड से लेकर जवानी तक पालता है और उस बच्चे को एक ह्यूमन डॉग की तरह पालता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको अगर उसका गले का पट्टा हटा दिया जाए और उसको बोल दिया जाए कि सामने वाले को मारना है, तो वो किसी भी कीमत पे किसी भी तरह उस सामने वाले को जान से मार डालेगा। और यही हालत होती है हमारी मूवी के हीरो की, जो एक कुत्ते की तरह होता है, ह्यूमन डॉग की तरह होता है। जब भी उसका मालिक उसके गले से पट्टा हटाता है और उसको बोलता है कि सामने वाले को मार डालो, तो वो तुरंत सामने वाले को मार डालता था। लेकिन एक दिन ये अपने मालिक के चंगुल से किसी तरह आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद ये मिलता है ऐसे लोगों से जो लोग इसको मौका देते हैं कि फिर से एक नई लाइफ शुरू कर सकता है, और इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चलने भी लगती है। लेकिन वापस इसका वो मालिक और बहुत सारे और दुश्मन इसके सामने रुकावट बन जाते हैं। ऐसे में अब ये क्या करता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी एक लिटरली बहुत ही अमेजिंग एक्शन मूवी है, जो हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.0/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है ना, जो आई थी 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक 16 साल की लड़की की, जो अपने फादर के साथ बचपन से ही जंगलों के अंदर रह रही होती है, बर्फीले जंगलों के अंदर रह रही होती है, जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता। लेकिन इसका बाप इसको एक परफेक्ट असैसिन बना रहा होता है, इसको इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा होता है कि कोई भी
इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर एक दिन इसका पिता इसको भेजता है एक बहुत ही बड़े मिशन पे पूरे यूरोप के अंदर। लेकिन इस लड़की के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक रूथलेस एजेंसीज पड़ी हुई हैं जो लोग इसको किसी भी तरह पकड़ना चाहती हैं। ऐसे में ये लड़की किस तरह अपने मिशन को कंप्लीट करती है और उन लोगों से बचती है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो आई थी 2016 में, ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। ये एक अमेरिकन सुपर हीरो मूवी है जो कैप्टन अमेरिका सीरीज का पार्ट है। जो लोग बहुत समय से एमसीयू की मूवीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो उन लोगों को तो पहले से इस मूवी के बारे में सब कुछ पता ही होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को बता दूं कि इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई सुपर हीरोज की, जिन्हें एवेंजर्स कहा जाता है। लेकिन एवेंजर्स दो हिस्सों में बट जाते हैं क्योंकि उनके बीच में पॉलिटिक्स चलने लगती है। अब ऐसे में दोनों में से एक तरफ आयरन मैन है, एक तरफ कैप्टन अमेरिका, इन दोनों में से कौन जीतता है कौन नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी 300 जो आई थी 2006 में, ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई किंग लियोनार्डस की, जो स्पार्टा के राजा होते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है पर्सियंस लोग, जो लोग इन लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं, इन लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग अपना एक दूत लियोनार्डस के पास भेजते हैं ताकि लियोनार्डस पर्सियन लोगों की गुलामी स्वीकार कर ले। लेकिन वो सीधे सीधे मना कर देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी पर्सियन सेना स्पार्टा पे हमला करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन 300 स्पार्टा के योद्धा निकल पड़ते हैं उस बहुत बड़ी पर्सियन सेना का सामना करने के लिए। ऐसे में ये लोग किस तरह उस बहुत बड़ी सेना का सामना करते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। आप इस मूवी को देख सकते हैं Amazon Prime Videos पर। इस मूवी को रेटिंग्स 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द मैट्रिक्स जो आई थी 1999 में। दोस्तों आपने हो सकता है एक बात सुनी होगी, पूरी दुनिया एक वर्चुअल रियलिटी, हम लोग असली दुनिया के अंदर नहीं रह रहे, हम लोग एक सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं, एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर रह रहे हैं, कंप्यूटर द्वारा बनाए गए एक दुनिया के अंदर रह रहे हैं, जिसके बारे में समय समय पर बहुत से प्रूफ्स भी मिले हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे ये मूवी बेस्ड है। जिस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई कंप्यूटर इंजीनियर की, एक हैकर की, जिसका नाम होता है नियो, जिसको एक दिन पता लगता है कि वो जिस दुनिया के अंदर रह रहा है वो दुनिया असली बिल्कुल भी नहीं है, ये सब लोग एक बहुत बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं जिसका नाम है द मैट्रिक्स। अब ये किस तरह उस कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकलता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसके तीन पार्ट्स आए, तीनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं और इसका फोर्थ पार्ट भी बनने वाला है। ये मूवी आप देख सकते हैं Amazon Prime पे। इस मूवी को रेटिंग्स 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।